उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होगा। अयोध्या में हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक में शीतकालीन सत्र बुलाए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अब इसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की स्वीकृति मिल गई है। जानकारी के अनुसार इस शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। दरअसल अयोध्या में पहली बार हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें तमाम अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस दौरान विधानमंडल का शीतकालीन सत्र बुलाने पर संबंधी प्रस्ताव भी मुहर लगी, जिसे अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हरी झंडी दिखा दी है, जिसके चलते 28 नवंबर से 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र पेश किया जाएगा। इस दौरान सरकार वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। फिलहाल राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना सबसे बड़ा बजट दिया था। इसी दौरान सरकार ने 6,90,242 करोड़ रुपए का मूल बजट पारित किया था। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य में जनता को अपने पाले में लाने के लिए तेजी से विकास कार्यों को पूरा करने में लगी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायक आशुतोष टंडन के निधन पर शोक जताने के बाद पहले दिन का सत्र स्थगित हो जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार अनुपूरक बजट में आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोगों को लुभाने की कोशिश कर सकती है, जिस दौरान सरकार का ध्यान किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं पर हो सकता है। वहीं अनुपूरक बजट में अयोध्या की विकास योजनाओं को भी खासा बजट देने की तैयारी की गई है।